कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जकड़ के खौफनाक मंजर पैदा कर दिया है, लेकिन इससे बचने के लिए जहां डॉक्टर जी जान से लगे हैं, वहीं संक्रमण से बचने के लिए चल रहे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी जी तोड़ मेहनत कर सरकार की गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों का थोड़ा सहयोग करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके जागरूक बच्चे भी सामने आए हैं। तस्वीरें बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ पुलिस कर्मियों के बच्चों ने लोगों से लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का पालन करने, संक्रमण से बचने के लिए साबुन से हाथ धुलने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने को लेकर लाउड स्पीकर के जरिए जागरूक किया। साथ ही घर से किसी जरूरी काम से ही निकलने और मुंह पर मास्क या रुमाल, दुपट्टा, गमछा लगाने को लेकर जागरूक किया। कस्बे में स्थित आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के सामने स्थानीय थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों के बच्चों ने बैंक में आने जाने वाले लोगों को हाथ धोने के तरीके बताए। इस मौके पर आयुषी शुक्ला, सुयेश शुक्ला, सीमन, उमम, फरहान खान से मिलकर बैंक के सभी ग्राहकों को हैंड से हाथ धुलवाए तथा मास्क वितरित किए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक गंगेश कुमार शुक्ला, प्रफुल्ल यादव, रीतिका, सुरेश कुमार आदि पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। सुमन की पहले अपने हाथों को सीधा धुले, बताओ तुम, फिर उल्टा, अच्छे से फिर पास से मुटकी, ना से नाखून, झाग से झाग वाला रहना चाहिए, ऐसे नहीं, पानी लगाइए हाथ पे, हाथ धोइए बाते पानी में, और पानी में बाते पानी में हाथ झाग वाला होना है। 20 सेकंड से अधिक हाथ धोना है आप लोगों को, इसका ध्यान रखिए। 20 सेकंड से अधिक प्रयोग करें। रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने हेतु बारह दिन में 1 से 2 बार पिए, स्वाद अनुसार इसमें गुड़ या ताजा नींबू मिला भी सकते हैं। सुबह दें। दूसरा, आयुष मंत्रालय की सलाह के अनुसार प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट। मेरा नाम आयुषी शुक्ला है। यहाँ पे आप लोग कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? हम बस यहाँ के लोगों को, या मतलब यहाँ के नहीं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें बस ये जागरूक करवाना चाह रहे हैं कि हमने किसी तरह कोरोना वायरस को हराना है। और उससे हम लोग ये बता रहे हैं कि अपना हाथ हर 1 घंटे पे धुलते रहें, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, और गर्म पानी का उपयोग करें, और काढ़ा का उपयोग करें, जैसे उसमें गुरुची, लौंग, ये सब का उपयोग करें, जितने भी आयुर्वेद के उसका उपयोग करें, और यही 1 घंटे पे अपना हाथ धुलते रहें, और घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, सुरक्षित रहेंगे, और यही सब। सुयश शुक्ला, ये आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हाँ? इसका क्या उद्देश्य है? मतलब हम लोग का उद्देश्य तो यही है कि कोरोना को अपने देश से, अब पूरी दुनिया से किसी ना किसी तरह को हराना है कोरोना को। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमम खान है। आप यहाँ पे कुछ कार्यक्रम कर रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जैसे अब कोरोना फैल रहा है पूरी दुनिया में, तो हम लोग बस इतना चाहते हैं कि वो हमारे देश, जैसे हम लोग पूरी दुनिया से कोरोना हटाना चाहते हैं, तो इसीलिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके खिलाफ कि हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, इसका चेन कैसे तोड़ सकते हैं। इसके लिए देखिए, हम लोग ने इसका वो बनाया है पोर्ट्रेट भी, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखा है, वी विल ब्रेक द चेन ऑफ कोरोना बाय आवर यूनिटी, मतलब एकता के साथ। एकता का मतलब ये नहीं कि पास पास में रहना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि दूर रहें, घर पे रहें, जितना कम काम कर सकते हो उतना कम बाहर निकलें, तो वही हम लोग बता रहे हैं। और जैसे बैंक में सबको काम लगता है, तो सब लोग आते हैं, तो हम लोग उसके सामने हैं, तो हम लोग चाहते हैं बैंक में जाने से पहले सब लोग अपना हाथ अच्छे से धोएं, जिसे 20 सेकंड तक धोने के लिए हम लोग को कहा गया है, तो वो काम हम लोग वहाँ पे करवा रहे हैं, पानी, मतलब पानी प्रोवाइड करवाए हैं। हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से आए हैं, वहाँ के हम लोग को बताया गया कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग को करने का मौका मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, द UP TV।